अनीशा गर्ग। आज मैं आपको बताऊंगी गाजर और गोभी का अचार कैसे बनता है। पहले आपको गाजर और गोभी को वॉश करना है, फिर उसे धूप में सुखाना है और वन डे होने के बाद आपको नाइट में उसे निकालना है और फिर आप उसे भी आप क्या करेंगे, ये जो मसाला है देखिए, ये मसाले को मैंने बनाने के लिए मैंने सॉल्ट डाला है, फिर हल्दी डाली है, फिर मिर्ची डाली है, फिर जीरा पाउडर, ये सब अगर मिला दे तो ये अचार ये मसाला बन जाएगा ये वाला। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। आपको धीरे धीरे प्यार से आपको बनाना है, तभी तो अच्छा बनेगा और टेस्टी भी। देखिए फ्रेंड्स, देखिए प्यार से धीरे धीरे मैंने पहले तो ऑलरेडी थोड़ा सा डाल रखा था। अच्छे से डालना है आपको। देखिए फ्रेंड्स, और ये है हमारा विनेगर, इसे ऑयल ना समझिएगा, ये हमारा एप्पल विनेगर है। देखिए हमें इसे प्यार से इसे भी डालना है। देखिए हमने डाल दिया है और ये देखिए ये है हमारा ऑयल, मैंने इसे गैस पे हॉट कर मैंने इसे ठंडा कर दिया है। देखिए इसे हमें ऐसे डालना है। आपको सब जगह इसे ऑयल को डालना है, सब जगह। अब हम चलिए इसे पूरा डालते हैं। और देखिए ये है हमारा बिग स्पून, इसे हम ऐसे मिलाएंगे, ऐसे सब ऐसे मिला देंगे अचार को ऐसे। अच्छी तरीके से बेस्ट बने इसलिए अच्छी तरीके से और प्यार से बहुत, और ये हेल्दी भी होता है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। कुछ भी आपको पेट की प्रॉब्लम है, डाइजेस्ट वाली प्रॉब्लम है, आप ये बनाइए, ये अचार बहुत यम्मी भी होता है और बहुत
बहुत हेल्दी भी होता है, सबको टेस्टी लगता है। आप अपने घर में भी ट्राई कीजिएगा। आपको कैसा लगा, आप अपने घर में भी ये ट्राई कीजिएगा। और अब हम इसे कांच के जार में फिल करेंगे। अगर हम कांच के जार में फिल नहीं करेंगे तो फिर इसका टेस्ट बदल जाएगा और बहुत गंदा हो जाएगा, इसलिए हमें कांच के जार में फिल करना चाहिए। बाय बाय।